उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान 4 किसानों व 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं और 1 पत्रकार की मौत हो गई। इस हिंसा के बाद किसानों का प्रदर्शन जारी है और वह मारे गए किसानों के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान कई मांगों पर अड़े हैं। अब खबर है कि किसानों और लखीमपुर खीरी प्रशासन के बीच समझौता हो गया है। बताया जा रहा है कि हिंसा के दौरान मारे गए सभी मृतकों को 45-45 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही मृतकों के परिवार के सदस्य को नौकरी भी मिलेगी। इसके अलावा घायलों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की जाएगी। मामले की जाँच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में होगी। किसान नेता राकेश टिकैत और ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। सभी 4 मृतक किसानों के परिवारों को 45-45 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार वालों में से एक को नौकरी और पूरे मामले की जांच रिटायर्ड जज के जरिए होगी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद राकेश टिकैत ने कहा कि पहली बात हुई है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम FIR में दर्ज होगा। 10-11 दिन का जो समय है प्रशासन ने मांगा है, अगर उसके अंदर कार्रवाई नहीं की गई तो हम पंचायत करेंगे। हम किसानों के दाह संस्कार तक यही रहेंगे और 5 डॉक्टरों की निगरानी में पोस्टमार्टम होगा और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अभी इंटरनेट नहीं चल रहा है, इसलिए हमें बहुत सारी वीडियो सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन जैसे ही इंटरनेट चलेगा, आपके पास कई वीडियो हैं तो वो हमें जरूर भेजिए। उसकी जो घोषणा अधिकारी हमारे वे इसकी घोषणा करेंगे। टेंशन जीरो पैसे गिरफ्तारी में भी बड़ी है, FIR भी दर्ज हुई है, सारे चीजें हुई है और जो पैसों की भी घोषणा शुरू हुई है 45 लाख रुपया मृतक के परिवार के लिए और जो गिरफ्तारी है वो भी होगी। सारे के सारे जो भी पूरी की पूरी हमारे पास इसमें कमेटी भी गठित होगी, वो भी अधिकारियों के कार्य आपको बता दें कि किसान नेताओं का आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, जिससे 4 किसानों की मौत हो गई, साथ ही कई किसान घायल हुए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने भी मीडिया से बातचीत में बताया कि किसानों की हिंसा में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं और कार ड्राइवर की जान गई है। दरअसल लखीमपुर खीरी में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का दौरा था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे उन्हें रिसीव करने जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान किसानों ने रास्ता रोक लिया और काले झंडे दिखाए। झड़प के दौरान गाड़ी की टक्कर से किसानों की मौत हो गई, जिसके बाद किसानों ने भारी हंगामा किया। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का दावा है कि हादसे के वक्त उनका बेटा मौजूद नहीं था। फिलहाल स्थिति को काबू करने के लिए ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी भेजा है। साथ ही पुलिस की कई और कंपनियां भी मौके पर तैनात हैं। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों पर पीछे से गाड़ी चढ़ाई, जिसमें फॉर्च्यूनर और थार गाड़ी लाई गई थी, जिसमें 10-12 लोग मौजूद थे। उन्होंने किसानों पर पीछे से गाड़ी चढ़ा दी, जो किसानों को रौंदती हुई आगे बढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।